आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि एक बहुत अच्छे कवि थे और उन्होंने दुनिया का पहला काव्यमय इतिहास लिखा था। वे रोजाना 100 पंक्तियों की रचना करते थे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विश्व इतिहास को कविता का स्वरूप देकर एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। करुणानिधि का यह जो कार्य है, यह कविता के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हालांकि करुणानिधि तमिल फिल्म जगत के जाने माने पटकथा लेखक भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद ने इस बारे में जानकारी दी थी कि वे प्रतिदिन 100 पंक्तियों को कलमबद्ध करते हुए और दुनिया का पहला काव्यमय इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे लेखन से युवा पीढ़ी को भविष्य की नई दुनिया के निर्माण में कुछ मदद मिले, यही मेरा उद्देश्य है। और यह भी उन्होंने कहा कि यह इतिहास काव्य उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उन्होंने यह कहा कि घर वालों का यह कहना है कि मुझे किताबों के ढेर तले दबकर आधी रात तक जागते हुए इस उम्र में लेखन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वे लेखन कर रहे हैं क्योंकि उनका यह मानना था कि जब मेरी कलम रुकेगी तो मेरी जिंदगी भी हमेशा के लिए रुक जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक अनमोल विरासत हमारे सामने, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, देश की युवा पीढ़ी के लिए छोड़ गए हैं विश्व इतिहास को काव्य रूप में लिखकर। करुणानिधि इस अपने अमिट योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।